खबर कोटा जिले से है, जहां 25 मार्च को होली त्योहार के दिन महात्मा गांधी कॉलोनी में चाकूबाजी कर दो सगे भाइयों को घायल करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि 25 मार्च को महात्मा गांधी कॉलोनी में दो सगे भाई सूरज और प्रकाश चंद को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिनका इलाज MBS अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस घटना के 4 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। दिनांक 25 तारीख की बात है, धुलेंडी का त्यौहार था, तो सूरज और प्रकाश चंद अपने गली में बना रहे थे होली धुलेंडी। तो कुछ लड़के आए थे यहाँ पर जो बदमाशी करने लगे थे, इन्होंने रोका उनको। तो ये विशाल नाम का था, उसने चाकू मार कर घायल कर दिया प्रकाश को। तो बचाने उसका भाई आया था सूरज, उसके भी एक चाकू ने काट दिया। तो सारे फरार हो गए, 10-12 लोग। नामजद आरोपी है 8, हमने 4 गिरफ्तार कर लिए। नाम में कुछ सामने आया? नाम मैंने कहे, एक तो देवराज को किया है गिरफ्तार, विशाल को किया है, अंकित को किया है, एक राम को। 4 आरोपी डिटेन कर रहे हैं।